किसान भाइयों, आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि अपने फसलों को लीफ हॉपर से कैसे बचाएं। किसान भाइयों, लीफ हॉपर एक ऐसा कीट है, अगर इसे आप सही समय रहते हुए अगर इसका कंट्रोल नहीं करते हैं तो आपका फसल देखते ही देखते पूरा फसल को बर्बाद कर देंगे। किसान भाइयों, लीफ हॉपर को आप देखेंगे, पहले तो आपका पत्ती सूखने लगेगा और धीरे धीरे पूरा पत्ती सूख के एकदम नीचे गिर जाएगा किसान भाइयों। इसलिए इसको सही समय रहते हुए अगर आप इसका कंट्रोल नहीं करते हैं तो आपका फसल को पूरा बर्बाद कर देगा। चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि लीफ हॉपर को कैसे कंट्रोल करें और इस कैसे फैलता है। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि लीफ हॉपर को कैसे कंट्रोल करें और इसके लिए कौन सा कीटनाशक इस्तेमाल करना होगा और इसका रेट कितना पड़ेगा। इसका पूरा वीडियो आपको इस वीडियो में बताऊंगा पूरा डिटेल से। किसान भैया, इस वीडियो को आप लास्ट तक बने रहे, अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आप जरूरी चीजों को मिस कर देंगे, इसीलिए पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं किसान भाइयों। अब वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा किसान भाइयों। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मैं रवि कुमार डे, मेरा आर के किसान खेती यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मैंने बताया है लीफ हॉपर को कैसे कंट्रोल करें। किसान भाइयों, लीफ हॉपर को कंट्रोल करने से पहले आप सभी को इसके बारे में बता दें कि ये कैसे फैलता है और एक कीट कैसे दिखता है। किसान भाइयों, आप सभी से एक निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल में नए आए तो सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, पास में दिए गए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं और वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें किसान भाइयों। किसान भाइयों, लीफ हॉपर आखिर है क्या, चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। किसान भाई, यह एक चूसने वाला कीट है जो आपको पहले तो एक दो दिखाई देंगे, अगर इसे समय रहते कंट्रोल नहीं करते हैं तो आपको झुंड में दिखाई देंगे और कोमल भागों से रस चूसता है। यह कपास, भिंडी और कुकुरबिट जैसे विभिन्न फसलों को खाता है। किसान भाइयों, यह कीट जब छोटा रहता है तो यह पंखहीन होता है, यानी कि इसका पंख नहीं होता है और यह हरे रंग की दिखाई देता है और इसे जब छेड़ेंगे आप तो ये तिरछे चल देंगे, आप देखेंगे कि तिरछा चलते हुए देखेंगे इसको, और जब ये बड़े कीट को आप जब देखेंगे तो ये गहरे हरे रंग के होते हैं और इसका पंखों की नोक पर आप एक काले धब्बे जैसा दिखाई देगा। इसका पौधे में क्या प्रकोप दिखाई देता है। किसान भाइयों, शुरू में तो पत्तियों पर पीले धब्बे दिखाई देते हैं, बाद में गंभीर मामलों में पत्तियां विकृत और मुड़ी हुई हो जाती हैं। पीले धब्बे बाद में भूरे हो जाते हैं जिससे पत्तियां सूख जाती है और धीरे धीरे आपका पेड़ पूरा मर जाएगा किसान भाइयों। और पौधे की अब फिर कहीं कहीं आप देखेंगे पौधे की रुकी हुई वृद्धि दिखाई देगी, जैसे आपको दिखाई देंगे पौधा का वृद्धि जो है वो नहीं हो रहा होगा, रुका हुआ होगा और फल जो है वो समय से पहले गिर जाता होगा। किसान भाइयों, इसी प्रकार का आपको प्रकोप दिखाई देगा। किसान भाइयों, इसका इलाज क्या है। किसान भाई, इसके लिए कौन सा कीटनाशक का इस्तेमाल करना होगा, चलिए आपको बताते हैं। किसान भाई, सबसे पहले आपको कीटनाशक लेना है जो इमीडा क्लोरोपिट 70% WG फॉर्म में आता है। आप जब आप देखे होंगे बायर के एडमायर में मिलता है ये टेक्निकल, और बायर का जो एडमायर अगर नहीं मिलेगा तो आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, आपके नज़दीकी दुकान में जो भी आपका कंपनी का मिले, लेकिन आपको इमीडा क्लोरोपिट 70% WG फॉर्म में लेना है। इसका किसान भैया, जो आपको पाउच मिलेगा 2 ग्राम का पाउच मिलेगा जो 25 से 30 रुपए के में मिल जाएगा, और इसका 15 लीटर पानी में मिलाकर अच्छे से छिड़काव करना है। और बारिश अगर होगा तो किसान भैया इसमें आप चिपको मिला के स्प्रे कर सकते हैं। किसान भैया, इस कीटनाशक का स्प्रे करते ही आपको 2-3 दिन में इसका रिजल्ट दिखाई देगा, आप देखेंगे कि नीचे कीट जो है मरा हुआ मिलेगा आपको। किसान भाइयों, चलिए आज का वीडियो इतना तक ही, वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।
किसान भाई, आप सभी से एक निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल में नए आए तो सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, पास में दिए गए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं और वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें किसान भाइयों।